ट्रांसेंडेबिलिटी पे होगा। तो आपके सामने ये स्क्रीन अभी शेयर हो रही है, इसमें वर यू कैन सी कि मैं आपको, तो पहले तो इसका जो सिलेबस है वो आप ऑलरेडी कुछ लोगों को तो पता होगा, लेकिन इसको मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ कि जो करंट एक एग्जामिनर हमारा जो है, जो उसका ट्रेंड चल रहा है वो क्या है। अगर आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सिलेबस की बात करते हैं, जीएसए के सिलेबस की बात करते हैं, तो आपको पता है कि जो जीएसए का सिलेबस है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन एरिया, जिसमें आपका एक तो ऑब्वियसली जनरल साइंस है, ठीक है, और दूसरा उसमें जनरल एबिलिटी है, ठीक है, और इनकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को पता है। यार इसको बोलो स्टॉप इट। अच्छा, आप जनरल साइंस जो है वो आपका 60 मार्क्स का है और जनरल एबिलिटी आपका 40 मार्क्स का है। ये जो 60 मार्क्स है इट इज फर्दर डिविजिबल लाइक दिस के, ये 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और बाकी 40 मार्क्स का जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका पेपर कुछ इस तरह का होता है कि पहले आपको वो 30 मिनट्स में कहते हैं कि जी आप 20 एमसीक्यू सॉल्व करें, जो कि प्योरली साइंस के रिलेटेड होते हैं, और फिर आपको तकरीबन 2.5 आवर के लिए एक पेपर दे देते हैं जो कि 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। उस 80 मार्क्स के दो मेजर क्या लें कि सेक्शन होते हैं, सेक्शन वन ऑब्वियसली वो साइंस का होता है और सेक्शन टू जो है वो आपका एबिलिटी का होता है, ठीक है। ये एक जनरल आपको बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता तो उनके लिए एक चीज़ आपके सामने मैंने रख दी कि जो आपका सिलेबस है हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब आ जाए अगर आप साइंस के सिलेबस की बात करते हैं, जनरल साइंस के सिलेबस की हम बात करते हैं, उसका कोर्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले उसमें हम देखते हैं फिजिकल साइंसेज उसके अंदर आ जाता है। अच्छा, इसमें मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊंगा कि किस चीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। फिजिकल साइंसेज के अंदर हम अगर बात करते हैं तो उसमें एस्ट्रोनॉमी आ जाता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी के अंदर लाइक जिसमें बिग बैंग थ्योरी के यूनिवर्स कैसे बनी और उसका एवोल्यूशन क्या था, सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है, इसके मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, और लूनर क्लिप्स। आई वुड हिट ओनली इम्पॉर्टेंट एरियाज, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट एरियाज को हिट करूँगा, मैं ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल में नहीं जाऊँगा। पूरा कोर्स में ओवरऑल उसके सेक्शन सारे डिस्कस करूंगा, लेकिन ईच एंड एवरी बिट आई एम नॉट गोना डिस्कस, ठीक है। द सेकंड उसमें आपका पार्ट आ जाता है जिसमें हम उसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी के रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि उसके अंदर आपका इन्वायरमेंट के मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं या वेदर, वैसे इन्वायरमेंट तो अलग भी है लेकिन उसको वेदर और क्लाइमेट के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें रॉक और रॉक टाइप्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, चैट में कुछ लोग क्वेश्चंस लिख रहे हैं, जस्ट लेट मी चेक क्या है चैट में। सर वॉइस क्लियर है? क्लियर है, ऑब्वियसली वॉइस इज क्लियर। ऑडियो का इशू सबके पास है या सिर्फ मेरे पास? ऑडियो तो क्लियर है, किसी एक दो लोगों को कोई इशू हो रहा है। अच्छा, ज्योग्राफी में मैं ये बात बता रहा था कि ये रॉक, रॉक टाइप्स, रॉक साइकिल, ठीक है, रॉक टाइप्स भी आ गई, रॉक साइकिल भी आ गया, ठीक है। और इसी के अंदर फिर आपका आ जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे इसमें एनर्जी जो है, एनर्जी के अंदर दो तीन मेजर चीज़ें हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप इसमें चले जाएँ तो मॉडर्न मटीरियल्स एंड केमिकल्स वाला एक चैप्टर है, एक एरिया है मॉडर्न मटीरियल्स वाला, जिसके अंदर क्या कुछ है लाइक पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ठीक है, और देन सिरेमिक्स हो गया, ये चीज़ें उसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप चले जाएं तो नेक्स्ट आपका कोर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंटल साइंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वायरमेंटल साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेपर में आते हैं और ये एक मेजर एरिया है हमारे कोर्स का। इसको अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट को ऑब्वियसली वी डिवाइड इंटू फोर एरियाज, ठीक है। तो उन फोर एरियाज में क्या है, फर्स्ट किया एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो आपका इसमें आ जाता है बायोस्फीयर है, देन आपका लिथोस्फीयर है, ठीक है, इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं अभी आप चैट में कार्ड ना लिखें, पुराने पेपर्स का मैंने एक एनालिसिस भी बनाया हुआ है, वो पूरा मैं अभी ये थोड़ा सा सिलेबस आपको डिस्कस करूँ, मैं पुराने पेपर्स का एनालिसिस भी इसके फॉर्म पर शेयर करूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ऑब्वियसली इसमें, लेकिन 200
हैव नो आइडिया, एटलीस्ट उनको पता तो हो कि किन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। इसके बाद सर मैंने आई जो मीन पुराने पेपर का एनालिसिस किया वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन एट द एंड। आपके जो भी क्वेश्चन हैं उसको मैं एंड पे यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर तो सर ये हमारा सर लिथोस्फियर आ गया इसमें, ठीक है, एंड देन कम्स एटमॉस्फेयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, और हाइड्रोस्फीयर जिसमें ये वाटर साइकिल वगैरह आ जाता है, इसके मतलब क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, आप उसमें अगर लिथोस्फीयर है तो लैंड पोल्यूशन आ गई, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर है तो एयर पोल्यूशन आ गई, हाइड्रोस्फीयर आ गया तो वाटर पोल्यूशन आ गई, फिर इसी के अंदर आपका ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज क्या होती है, ठीक है, इसके मतलब क्वेश्चन आते हैं। फिर एसिड रेन हो गया, इसके मतलब क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका ओजोन डिप्लीशन हो गया, इसके मतलब क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। एंड देन कम्स दी सर्टन लीगल प्रोटोकॉल्स हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, एंड देन क्योटो प्रोटोकॉल है। ये तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको कवर करना है। इन प्रोटोकॉल्स के अलावा कुछ जियोस्पेशल टेक्नोलॉजीज हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, रिमोट सेंसिंग है जो कि आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट आपके कोर्स का पार्ट है, एंड देन फाइनली पॉपुलेशन प्लानिंग, ये भी आपके कोर्स का पार्ट है। अच्छा, अब ये चीज़ें मुझे तो जुबानी याद हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं इतने अरसे से इन चीज़ों को ऑब्वियसली पढ़ा रहा हूँ, पॉपुलेशन प्लानिंग, ठीक है। अच्छा, ये आपका होगा जी इन्वायरमेंटल साइंस का सारा कोर्स। देन कम्स द बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो जो बायोलॉजी के अंदर उसको अगर हम डिवाइड करें तो मेजर चीज़, एक तो पहले सेल और सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, सेल होता क्या है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, और ये सारी चीज़ें इसको हम डिस्कस करते हैं। देन कम्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और देन कम्स द ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, और ह्यूमन ब्लड कैसे वर्क करता है, किडनी कैसे वर्क करता है, लीवर कैसे वर्क करता है, आई कैसे फंक्शन करती है, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी सारा आ गया। अच्छा, इसके मुतलक मेरे मैंने नोट्स CSS क्लब जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर मैंने शेयर किए हुए हैं स्लाइड बनाकर, या आप ऑब्वियसली मेरी बुक भी बाई करना चाहते हो वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद चौथा जो इसका कंपोनेंट आ जाता है दैट इज ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ। दीज आर द मैं थोड़ा सा तेज लिख रहा हूँ इसलिए इतना वरी बात है वो साफ में नहीं लिख रहा, क्योंकि चीज़ें हमने ज़्यादा कवर करनी है, डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, ठीक है। अच्छा, ये बायोलॉजी वाला सारा हमारा पोर्शन आ गया। इसके एंड पे आप चले जाएं तो फिर आपका एक पोर्शन आ जाता है दैट इज फूड साइंस, ठीक है। फूड साइंस के अंदर मेन जो चीज़ है वो आपकी, अगर उसको आप देखेंगे तो एक आपका उसमें बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट की जब हम बात करते हैं तो डाइट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उसके बाद लिपिड्स हैं, देन कम्स दी वाइटमिन्स। तो वाइटमिन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, मिनरल्स, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा फूड साइंस में कुछ सर्टन कंसेप्ट हैं, फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, इसके मतलब क्वेश्चन आते हैं, फिर फूड अडल्ट्रेशन क्या होती है, इसके मतलब क्वेश्चंस आते हैं, और फूड को प्रिजर्व कैसे करना है, फूड की प्रिजर्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आई एम जस्ट नाउ हाईलाइटिंग द सिलेबस, आई विल टेक योर क्वेश्चंस एट द एंड प्लीज, ठीक है, अभी मैं चैट वगैरह को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आगे चले जाएं तो आखिरी जो पार्ट है दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें ऑब्वियसली आपका जो है वो आ जाता है पूरा IT, मतलब उसमें हाउ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ठीक है, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारे, ठीक है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, ब्ला ब्ला, ठीक है, फिर उसमें नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन नेटवर्किंग के बाद हमारा जो मेन इसमें जो जिसपे क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे होते हैं वो आपका फाइबर ऑप्टिक्स के रिलेटेड इशू है, फाइबर ऑप्टिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन काफी आ रहे होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर ये सर्वेलेंस है जिस तरह की अभी गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने हर सिटीजन को क्या करें, उसकी सर्वेलेंस करें कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है, तो
सर्वेलेंस क्या होती है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो दिस इज द होल कोर्स। अब अगर इसको मैं कहूँ कि मैं साइंस के कोर्स को अगर इलेबोरेट करूँ कि या सॉरी हाईलाइट करूँ, डिवाइड करूँ मेजर एरिया के अंदर, तो पहला आपका आ गया जिसको हम कहते हैं जी एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल इश्यूज आ गए। फिर आपका आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर आपका फूड साइंस एंड देन बायोलॉजी, जिसमें आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आ गया, फिजियोलॉजी, ठीक है। एंड देन कम्स द नेचुरल हाजर्ड्स वगैरह। ये हो गया आपका साइंस का टोटल कोर्स जनाब, ठीक है। अच्छा अभी आप आ जाएं जरा एबिलिटी पे। एबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें आप अगर देखेंगे, एक तो क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन आ रहा है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है कि वो गिवन सिचुएशन होती है, सर्टन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है एनालिटिकल रीजनिंग। तो उसमें लाइक अगर 5 लोग हैं, उन्होंने किसी प्लेन में सफर करना है, तो अगर ए और बी इकट्ठे बैठ सकते हैं, ए और बी इकट्ठे बैठेंगे हमेशा, ठीक है, ए और सी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, कुछ कंडीशन, सेट ऑफ कंडीशन वो दे देते हैं। फिर उसके एंड पे वो आपको बता देता है कि जी अगर ये जो सीटें हैं तो बताएं कौन सा बंदा कहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं। फिर इसमें परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके अंदर एवरेज है, ठीक है, एवरेज इसमें इवन मीन, मीडियन और मोड, मॉड आता है, ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद चौथा आपका इसके अंदर आ गया सेट, सेट्स एंड सेट थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा आ गया वेन डायग्राम्स होती हैं, इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन सिक्स इज ज्योमेट्री के रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। सेवन इज प्रोबेबिलिटी, इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एट सैम्पलिंग और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, ठीक है। तो ये आपका एबिलिटी का कोर्स है। अच्छा अब इसको टैकल कैसे करना है, उसकी तरफ जाने से पहले फर्स्ट आई गोना शो यू द प्रीवियस ईयर्स सिलेबस, जस्ट अ मिनट, सॉरी, प्रीवियस ईयर्स के जो पुराने सालों में जो पेपर्स आए हैं तो वो किस तरह के आए हैं। जस्ट लेट मी शो यू टेस्ट पीपीटीज। सर स्टिल सर एम आई जी ऑडिबल ये देखें जी, सर एम अभी आई गोना शो यू द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, आई गोना शेयर यू सर एम आई स्क्रीन। ऑडिबल एक्सक्यूज मी सर ये लें जनाब, बिस्मिल्लाह। आपको आई सर होप एम सो कि आपको स्लाइड सही तरह से नजर आ रही होगी। ये काम इट जो है इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। मैं ऑब्वियसली पिछले 10-12 साल से साइंस ही पढ़ा रहा हूँ, अलहमदुल्ला आई एम द ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक एज वेल, ठीक है। तो हमें चीज़ों को साइंटिफिकली, चीज़ों को हम लेके चलते हैं, सिस्टमेटिकली चीज़ों को लेके चलते हैं कि आपने चीज़ों की किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। अच्छा अभी ज़रा इसको अगर आप देखें तो इसमें नसरुल्ला फरीदी जी क्या बोलना चाह रहे हैं। सर सर द थिंग इज कि हमारे पास अभी यहाँ पे 100 स्टूडेंट पूरे हो गए और अच्छा सेम इसमें प्रॉब्लम सर सेम प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे स्टूडेंट हमारे जितने भी सर आपके लिए इतना वेट कर रहे थे कि सर दे आर उसको आ रहे मैसेज कि 100 पूरे हो गए एंड फर्दर हम यहाँ पे नहीं ले सकते हाँ, नहीं सर। इसमें 100 से ऊपर नहीं जाएंगे, इसके अभी इसकी टाइम लिमिट कोई नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 100 ही आएंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा सर मैं तो समझा कि ज्यादा होंगे तो सर दे आर वेटिंग एंड दे आर टेक्सटिंग दे आर नहीं, टेक्सटिंग तो मी क्या है सर अभी के वी आर रिकॉर्डिंग द लेक्चर, ठीक है, अभी यस इनको सर फिर रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। श्योर सर सर श्योर श्योर चलें ठीक हो गया, मैंने असल में आप सबको म्यूट किया हुआ था। अच्छा जी अभी जरा आ जाएं, आपको मैंने सारा सिलेबस बता दिया, नो जस्ट रिलैक्स। मैं थोड़ा उसमें से गो थ्रू किया था जल्दी जल्दी ताकि आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम। अब अगर इस सिलेबस को आप सारे को एनालाइज करें अगर, ठीक है, तो यू विल गेट एन आइडिया कि सिलेबस के अंदर आप देखेंगे कि ये वाले जो एरियाज हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट के ये पहले वाला अगर आप देख रहे हैं, ये एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ये आपका जो है इसमें से तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, एज ऑफ यूनिवर्स, लूनर क्लिप्स क्या है, लूनर वर्सेस सोलर क्लिप्स क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैक होल, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, आपने काम क्या करना है।
ये देखिए मैंने आपको एक सब्जेक्ट के अंदर तो ये मैंने करके दिखा दिया, दो तीन स्टेप्स यहाँ पे गौर से सुनने जरा। कोई भी सब्जेक्ट आपने जब तैयार करना है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, पहले उसका सिलेबस देखें, उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, पहला स्टेप आपका, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड स्टेप, आप पिछले पुराने पेपर्स, कम से कम 5 साल के पेपर्स का एनालिसिस करें, ठीक है। जब आप पिछले 5 साल के पेपर्स का एनालिसिस कर लेंगे, यू गेट अ फेयर आइडिया कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, फिर आप उन एरियाज पे ऑब्वियसली ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। देन गेट अ गुड बुक, एटलीस्ट वन आर टू, ठीक है। अब एक बुक तो आपने पढ़नी है, कोशिश करें कि आप एक से ज्यादा बुक्स में से भी एटलीस्ट वो जो एरिया जो बहुत ज्यादा जिन चीजों पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, उन एरिया को आप अच्छी तरह से फोकस कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद देख लें इन्वायरमेंट, जब मैंने आपको कोर्स का बताया था तो तभी मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट में तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। यू कैन सी हेयर के इन्वायरमेंट देखें, ये नीचे तक, अभी ये 2020 का पेपर इसमें शामिल नहीं है। एसिड रेन, वाटर पोल्यूशन, स्मोक पे नोट लिखें, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, अगेन एसिड रेन, कार्बन डाइऑक्साइड अगर इन्वायरमेंट में बढ़ती है तो उसके क्या नुकसान होते हैं, अगेन ओजोन डिप्लीशन। अच्छा आप देखिए इसके एनालिसिस से क्या पता चला हमें, ये पता चल रहा है कि यार एसिड रेन और ओजोन डिप्लीशन पे तो एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स मस्ट नहीं होता कि हर साल पेपर वैसा ही आएगा, बट ऑब्वियसली, और ये कुछ साइंस नहीं है, मतलब ये तो हर जगह पे होता है, आपके मैट्रिक और इंटर के पेपर में भी आप यही स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, लैंडफिल क्या होती है, रिमोट सेंसिंग क्या है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या है। अच्छा फिर नेचुरल डिजास्टर एंड हाजर्ड जो है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके अंदर भी अगर आप देखें इसमें सुनामी और टाइडल वेव क्या है, हरिकेन क्या है, सुनामी पे फिर दो दफा, फिर अर्थक्वेक, फूड साइंस के अंदर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन उतने नहीं आ रहे, आप देखें आपको कॉलम से क्लियर हो जाएगा। डिजीज पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन उतने नहीं आ रहे। एनर्जी एंड केमिस्ट्री, ये दो चैप्टर्स को मैंने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया क्योंकि इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही आ रहे, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट एरिया, रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन आ रहा है, बायोफ्यूल पे आ रहा है, गामा रेज पे आ रहा है, आईटी पे देखें, अगेन आईटी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एंड तक देखें, इस साल भी आईटी पे क्वेश्चन आया हुआ था। फिर बायोलॉजी और फिजियोलॉजी पे बहुत थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, ये वाला जो एग्जामिनर है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोलॉजी पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। देन प्रोडक्ट ऑफ साइंस पे भी बहुत थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर इवन जो कोर्स में शामिल नहीं है चीजें, एग्जामिनर उनसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। वाटर लॉगिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स, डीसी वर्सेस एसी करंट पार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स, मायराज क्या होता है इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स, ठीक है। सो एग्जामिनर कैन आस्क एनी क्वेश्चन जो कि इवन कोर्स का पार्ट भी नहीं है, तो ये तो सीएसएस में होता ही है, ठीक है। सो स्टिल यू हैव टू डू द जनरल रीडिंग एज वेल, के आपका जो न्यूज़पेपर में जो साइंस के रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आते हैं, यू कीप ऑन स्टडिंग देम, ठीक है। अब आ जाए अगर आप एबिलिटी के अंदर, आप देखते हैं एबिलिटी में देखें, जियोमेट्री में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादा, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटर स्केलेंस, ठीक है, और आइसोस्केलेंस, ठीक, आइसोसील सॉरी, ठीक है। उसके बाद जी चैट में से क्या क्वेश्चन पूछा सर, ऑनलाइन सोर्सेज भी बता दें फॉर जीएस, वो भी डिस्कस करता हूँ मैं एंड पे, ठीक है, नो वरी। अच्छा जी उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें फिर आपका नंबर सीरीज एंड कोडिंग डीकोडिंग पे आलमोस्ट 7 दफा सवाल पूछ रहा है। अच्छा ये डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको आप मीन मीडियन मोड वगैरह बोलते हैं, और पिक्टोग्राम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह बोलते हैं, पाई चार्ट, इसमें से देखें कितनी दफा क्वेश्चन पूछा हुआ उसने, ठीक है। फिर उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग में हर साल सवाल आ रहा है, एनालिटिकल रीजनिंग में सवाल एक साल, इस साल का भी देख लें उसमें भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रोबेबिलिटी पे वो और सेट्स पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वेन डायग्राम्स पे क्वेश्चन मस्ट आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछ रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, फिर ब्लड रिलेशन पे आ रहा है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे 2017 में भी सवाल आया, 2018 में भी सवाल आया। सो व्हाट इट शोज, ये आप लोगों को मैं सीएसएस क्लब पे ये मैं दोबारा से ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा, और ये जो हमारी वीडियो है जो हमने रिकॉर्ड की है ये भी मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि हमने सिलेबस को एनालाइज कैसे करना है। नाउ कम्स टू द सोर्सेज, पहली चीज हमने पढ़ ली, जो हमने काम किया कि जनाब हमारा सिलेबस क्या है, हमने उसको डिस्कस कर लिया। सेकंड हमने क्या चीज की, वो डिस्कस के हमारा जो है पहला काम हमने सबसे क्या किया, सिलेबस को डिस्कस कर लिया कि सिलेबस हमारा कितना है। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस कर लिया, जैसे हमें आइडिया हो गया कि हमने किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है और कितना फोकस करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद
तीसरा अब आपने काम क्या करना है, सोर्सेज, ठीक है। अच्छा जी, सोर्सेज में ऑब्वियसली मेरी अपनी बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ठीक है, पब्लिश बाय जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स, मियां शफीक इज द ऑथर, ठीक है। अच्छा, इस टॉक का मकसद ये नहीं है कि ऑब्वियसली कि मैंने अपनी बुक को प्रमोट करना है, ठीक है, बट दैट इज द बेस्ट सेलिंग बुक इन द मार्केट राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ऑलमोस्ट 50,000 कापीज उसकी सेल हो चुकी है। पहला एडिशन मैंने 2012 में पब्लिश किया था पिछले सिलेबस के मुताबिक, फिर ऑब्वियसली जब सिलेबस चेंज हुआ तो उसको हमने रिवाइज किया और उसको नए सिलेबस के मुताबिक इशू किया, ठीक है। मेरा अपना साइंसेस का बैकग्राउंड है, आई डिड माई BS ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, देन आई डिड MS ऑनर्स इन फूड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर की डिग्री का मेरे लिए एडवांटेज क्या था कि हम वहाँ पे माइनस बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी, वी स्टडीज एंटोमोलॉजी, वी स्टडी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, वी स्टडी बॉटनी, हार्टिकल्चर, फार्मेसी एंड पावर, एग्री इंजीनियरिंग, तो वो सारी चीज़ें हेल्प मी अलॉट। ऑब्वियसली इन चीज़ों को हमने CSS के अंदर भी किया, तो एंड देन आई वॉज ऑल्सो टीचिंग द स्टूडेंट्स इन मैट्रिक एंड इंटर, जो उनके जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको भी हम टीच करते रहे ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ है कि आपको सोर्सेज में, अच्छा मैं, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहता किसी भी स्टूडेंट को कि आप सिर्फ जो जनरल साइंस एबिलिटी की जो मेरी बुक है बस वो ले रहे हैं एक और ये आपके लिए सही उपाय और ये काफ़ी है, ठीक है, आपने जनाब बस और कुछ नहीं करना दो के। हालांकि मेरी किताब के ऊपर भी ये एलिगेशन है कि जी ये बहुत लेंथी है। देखिए, प्रेपरेशन की दो स्ट्रेटजीज होती है, कुछ लोग करते हैं जी बस एक किताब पकड़ ली, ठीक है, और अपना अपना एप्टीट्यूड होता है और उसको फिर वो क्रैम कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं ईच एंड एवरीथिंग, एक ही बुक का वन बुक ले ली और उसकी ईच एंड एवरीथिंग को क्रैम कर लिया। अच्छा, ये स्ट्रेटजी उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि जिनका साइंसेस का बैकग्राउंड है, ठीक है, और वो अगर कोई एजुकेशन से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहाँ से उसको टैकल कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कह रहे होते हैं परफेक्शनिस्ट के यार हमने परफेक्शन लेके आनी है, वो एक बुक को तो रेफरेंस के तौर पर रखते ही हैं, व्हाट दे डू कि वो इसके ऊपर एडिशन करते हैं फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल। और कभी भी कोई भी किताब, एटलीस्ट मे इंक्लूडिंग माई बुक, इट कांट बी परफेक्ट, ठीक है, सवाए अल्लाह ताला की किताब के, मुझे मतलब रिलीजियस हवाला यहाँ पे देना नहीं चाहिए था, बाकी कोई भी किताब परफेक्ट नहीं हो सकती, आपके मिजाज के मुताबिक नहीं हो सकती। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको डिफरेंट सोर्सेज से उसके अंदर ऐड करना है। सबसे अच्छा सोर्स क्या है? इंटरनेट है, लेकिन इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा क्या है? आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। नुकसान क्या है? आप इंटरनेट पे एक चीज़ देखने जाएंगे, ठीक है, और एक घंटा दो घंटे फेसबुक पे लगा देंगे, दो घंटे यूट्यूब पे लगा देंगे, सारा दिन जाया, ठीक है। सो इंटरनेट एक अच्छा सोर्स है, गुड सोर्स है, ठीक है। YouTube पे आपको बड़े अच्छे लेक्चर मिल सकते हैं, लेकिन इसकी डाउन साइड क्या है? व्हाट इज द डाउन साइड? टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, टाइम वेस्टेज बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका सलूशन क्या है? मैं यही समझता हूँ कि इंटरनेट ही एक बेटर ऑप्शन है, अल्टरनेटिव। एक आप बुक ले लें, उसके बाद आप इंटरनेट को यूटिलाइज करें, इसके साथ आप टारगेटेड जो है वो सिर्फ सर्च करें, ठीक है, टारगेटेड सर्च करें सिर्फ, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को फैलाएं ना, ठीक है, टारगेटेड, मतलब से फॉर एग्जांपल लाइक आई वुड से कि इफ़ यू गो फॉर परसेंटेज, कि आपको परसेंटेज के क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही कि परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, जो जस्ट गो एंड स्टिक टू द परसेंटेज, जो एक वीडियो देख ली, एक दो वेबसाइट पे आपने आर्टिकल पढ़ लिया, अब वहाँ पे नहीं जाके आप उस पे आपने PhD नहीं कर रही, आप उस पे फर्दर अपना टाइम वेस्ट करते जाओ। और उसमें से भी बेटर सोल्यूशन ये है कि अगर आप उसको सॉफ्ट को, अगर कोई अच्छी चीज़ आपको मिल गई है तो उसका प्रिंट निकाल के फिर रख लिया, क्योंकि दूसरी दफ़ा अगर आप इंटरनेट पे वही चीज़ सर्च करने जाएंगे वो आपको दूसरी दफ़ा वही चीज़ नहीं मिलेगी, वही पेज आपको दोबारा वेबसाइट का नहीं मिलेगा। तो इंटरनेट को ही साथ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें, लेकिन साथ में ये लाजमी याद रखें कि अपना टाइम वेस्ट आपने नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका सोर्सेज का हो गया। एक बच्चे ने बुक का पूछा है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी बाई मियां शफीक, ठीक है, पब्लिशर है जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स, ठीक है। यू कैन गेट फ्रॉम एनी बुक डिपू जो कि CSS की बुक सेल करता है, ठीक है, किसी से भी मिल जाएगी जो भी CSS की किताबें सेल करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सेकेंडरी सोर्सेज आ गए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, अटेम्प्टिंग टेक्निक। अब अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या है, अटेम्प्टिंग टेक्निक क्या है, ठीक है, आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, उसमें एक तो पहली बात है कि ओवरऑल इसमें एक बात याद रखें जो लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आती, आपका राइटिंग एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है। अच्छा, उसमें भी मैं आपको क्या करता हूँ, मैं
एक आपके साथ पेपर शेयर करता हूँ अभी जरा, क्या रे? मैंने खुद ही पेपर बनाया हुआ है एक, लेट मी शेयर विद यू दैट पेपर, ठीक है? ये एक पेपर आ गया अभी, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जो एग्जामिनर है अभी वो किस तरह का पेपर बना रहा है एंड हाउ यू गोना आंसर दैट, ठीक है? ये ले जी, आपके साथ मैंने एक पेपर शेयर किया है, ठीक है? ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है, ठीक है? बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह जो हमारा फॉर्मेट होता है फाइनल पेपर का। अच्छा, इसका आप ये क्वेश्चन नंबर आप पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2A, पहला क्वेश्चन हमेशा आपका एमसीक्यूज का होता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2A को आप रीड करें, आप लोग, मैं भी रीड कर देता हूँ आपकी आसानी की खातर। द फर्स्ट लूनर इक्लिप्स ऑफ द ईयर 2020 वाज विटनेस ड्यूरिंग द नाइट बिटवीन जनवरी 10 एंड 11। इट वाज अ पेनम्ब्रल एक्लिप्स, ठीक है? इट वाज अ पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स दैट टुक प्लेस फ्रॉम अराउंड 10 PM टू 2 AM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। व्हाट डू यू नो अबाउट लूनर एक्लिप्स, हाउ इट इज फॉर्म, डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स। अच्छा, अब ये सवाल है, अब मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप को अगर सवाल अटेम्प्ट करना है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज को काइंडली आप गौर से नोट करें कि जो स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि पाकिस्तान में एक्लिप्स हुआ था और वो पेनम्ब्रल एक्लिप्स था और 10 से 11 बजे के दरमियान हुआ था, एग्जामिनर बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल। ये सवाल नहीं है, ये तमहीद है। एक्चुअल क्वेश्चन तो इसके बाद उसका स्टार्ट होता है, व्हेन ही सेज दैट व्हाट डू यू नो अबाउट लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स के मतलब आप क्या जानते हैं, हाउ इट इज फॉर्म, ये कैसे फॉर्म होता है और उसकी वेरियस टाइप्स बताएं। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। लाइक मतलब सम ऑफ यू माइट थिंक ये तो कोई चीज ही नहीं है, बट सम ऑफ माइट नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैं आपको, ये जरा क्वेश्चन जरा देखें, उसको तो छोड़ें। हाउ डिड यूनिवर्स अराइज फ्रॉम नथिंग, ये क्वेश्चन जिसको जरा मैंने क्या कर दिया है, बोल्ड कर दिया है और साइज भी बढ़ा दिया है। ये सवाल है, मैंने पूछा हाउ डिड आवर यूनिवर्स अराइज फ्रॉम नथिंग, इसका जवाब क्या होगा, मतलब थीम क्या है इसको आंसर क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थीम यह है कि यूनिवर्स के एवोल्यूशन के मुतालिक आपने बात करनी है, यूनिवर्स कैसे बनी, बिग बैंग थ्योरी के थ्रू बनी या कोई और प्रोसेस में इवॉल्व हुआ था, ठीक है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, पहली बात जो मैं तस्करा कर रहा था कि आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, दूसरी बात, अब क्वेश्चन में आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है? प्रेजेंटेशन आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्रेजेंटेशन से मुराद क्या है, आपका प्रॉपर मार्कर का इस्तेमाल करना, आपका प्रेजेंटेशन में क्या कुछ आता है, एक तो सफाई सुथराई तो है ही, ठीक है? मतलब नीट एंड क्लीन लिखा हुआ हो आपने, ठीक है? फिर उसके बाद मार्कर शार्कर का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि ये ऐसे नहीं है, ये साइंस का पेपर है तो इसमें आपने हेडिंग सब हेडिंग्स देनी है, ठीक है? आपने कोई हाशिया वगैरह भी लगाया हुआ हो, ठीक है? साइड मार्किंग जो होते हैं आप लगाते हैं, मार्जिन वगैरह, ठीक है? वो भी आप उस पर लगाएं, ठीक है? उसके बाद आप इसमें डायग्राम्स भी बनाएं, ठीक है? एटलीस्ट मैं वो क्लास में क्या करता हूँ, बच्चों को ईमान का कम से कम दर्जा है ये कि आपने जो कुछ लिखा हुआ हो वो लेजिबल हो, वो पढ़ा जा सके, एग्जामिनर को जो है वो आपको बुलाना ना पड़े कि जनाब आपको जानी पता, वो बुलाएगा तो नहीं, ठीक है? तो भाई जी आपने लिखा क्या है मुझे बता दें, ठीक है? इट मस्ट बी लेजिबल, एटलीस्ट लेजिबल हो। तो प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट चीज आ जाती है इसके अंदर, ये हमारा था अटेम्प्टिंग टेक्निक के अंदर प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि सर लेंथ कितना लिखें आप। हमारे एक टीचर, मेरे एक टीचर हैं, ऑब्वियसली टीचर हैं से मुराद है कि मैंने उनसे इंग्लिश की कोचिंग ली थी, ठीक है? अफरीदी ये बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट चला रहा है, जब हम मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने सिर्फ इंग्लिश की कोचिंग ली थी, बाकी किसी सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं ली थी, ठीक है? सारी सेल्फ स्टडी की थी। अगर आप अफोर्डिंग हैं तो आप कोचिंग लें लाजमी, ठीक है? ऑब्वियसली इट विल सेव योर टाइम, ठीक है? और यू विल गेट गुड मार्क्स, आपको कोई ना कोई टीचर जो भी ऑब्वियसली पढ़ा रहा है कुछ ना कुछ तो फायदा उसमें वो आपको दे रहा होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन तो वो करेगा। अच्छा, लेकिन जी जी सर मूर समूह से मैंने पढ़ा था ऑब्वियसली। अच्छा, अब सर मूर समूह से बच्चे जब भी सवाल किया करते थे कि सर ऐसे कितने लफ्जों का लिखें, वो कहते थे 3 घंटे में जितना लिख लो,
थ्री आर में जितना लिख लो वो आपकी ऐसे की लेंथ है। बच्चे कहते थे सर फिर नहीं सर बताए ना कितना लंबा ऐसे लिखे, वो कहते थे भाई 3 घंटे में जितना लिख लो आप। ये बात बच्चों को समझ नहीं आती थी, मेरी राइटिंग स्पीड है बहुत ज्यादा तेज, अभी आपको आइडिया भी हो गया होगा, मैं तो 3 घंटे के अंदर 50 सफ़े लिख जाता हूँ और थकता भी नहीं। और एक बंदा है जो कि बड़ा स्लोली लिखता है वो, और वो लिखता भी बारीक बारीक है, वो हो सकता है बड़ी मुश्किल से 15 सफ़े लिखे, मैं तो खुला खुला लिखता हूँ। आप सफ़ों के लिहाज से तो मैं यही नहीं कर सकते। एक बंदा जो छोटा छोटा लिखता है वो बेचारा 10 से 15 सफ़े लिखेगा, और उसको हम कहते हैं कि आप 40 सफ़े लिखें, वो तो परेशान हो जाएगा, तो यार ये 40 सफ़े तो मैं कभी भी नहीं लिख सकता। तो आपका साइंस के अंदर याद रखें कि एक मार्क जो है 1 मार्क के लिए आपके पास 5 मिनट्स का टाइम है। मैं कैसे बताता हूँ, 30 मिनट्स के तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, बाकी आपके पास कितने रह गए, 2.5 घंटे, 2 आवर एंड 30 मिनट्स, ये कितने हो गए, 60, 20 और 30, 150 मिनट, ठीक है। आपके 150 मिनट्स में आपने कितना काम करना है वाला, 80 मार्क्स का पेपर हल करना है, 80 मार्क्स का पेपर हल करना है। तो मैं इसको 1.5 मिनट वाला क्यों करता हूँ, क्योंकि आपने कुछ प्रूफ रीड भी करना है एंड पे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आपका 5 नंबर का जो सवाल है वो अराउंड आप कह लें 8 मिनट में आपने लिखना है, ये आपका फार्मूला है, नथिंग एल्स। 5 नंबर का सवाल 8 मिनट के अंदर, यही आपकी लेंथ है। अच्छा, आप इसको करना कैसे, कुछ सवाल लंबे होते हैं कुछ छोटे होते हैं, ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी क्या है, बच्चों को मेरी एडवाइस क्या है, पहले एबिलिटी पार्ट हल करो, एबिलिटी पार्ट विल नॉट टेक टू मच टाइम। रेशो का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, वो हो सकता है आपका एक सवाल 2 से 3 मिनट में ही हल हो जाए, 2 to 3 मिनट्स इफ यू हैव अ गुड ग्रिप। एबिलिटी वाला सवाल हो सकता है 5, 7, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट ले ले, वो सॉरी रीजनिंग वाला, एनालिटिकल रीजनिंग वाला, ठीक है। लेकिन आपका जो क्या कहते हैं एबिलिटी वाला पार्ट है, उसमें से आप 20-25 मिनट की सेविंग कर सकते हैं, वो वाला टाइम आप लगा सकते हैं साइंस पे, क्योंकि साइंस आपका थ्योरेटिकल है, इसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप टाइम की सेविंग कर सकते हैं। तो ये है टाइम मैनेजमेंट, कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, विद इन पेपर आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, कैसे करनी है। मेरा सारा फोकस जो है वो मैं साइंस पे ही कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू जनरल, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड हो गया, ठीक है। प्रेजेंटेशन में और क्या चीज़ें आती हैं, डायग्राम को लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, डायग्राम्स। मैं एग्जाम्पल दूंगा 2-3। आपको लूनर सोलर इक्लिप्स का क्वेश्चन आ जाए, ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका मून है, ठीक है, और आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी ही करनी है। जब भी आपका ये आपकी अर्थ आ गई, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा मैं अभी क्योंकि जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो दरमियान वाला एरिया है ये आपका जी अम्बरा आ गया, ठीक है, और ये बाहर वाला एरिया जो है वो आपका पेनम्ब्रा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बात करने का मकसद क्या, मुझे इस डायग्राम को कितना टाइम लगा ड्रॉ करने के लिए, अगर मैं थोड़ा सा हार्डली इवन 30 सेकेंड, ठीक है, और मैं इसको डिजिटल पैड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, डिजिटल पैड पे, क्योंकि डिजिटल पैड पे जारी बात है इतना हमारा अच्छा हाथ नहीं चाहता होता जितना हम नॉर्मली पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। लूनर एक्लिप्स का, सोलर एक्लिप्स का आप क्वेश्चन करते हैं, और अगर आप डायग्राम नहीं करते एग्जामिनर कभी भी आपको पूरे नंबर नहीं देगा। सेल, ह्यूमन सेल क्या है जी, ठीक है, सेल में क्या है जी, अंदर आपका न्यूक्लियस होता है जी, फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्जी बॉडीज होते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो चैनल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वैक्यूल्स होते हैं जी, साइटोप्लाज्म होता है जी, ठीक है, लो जी सेल की डायग्राम बन गई, ठीक है। मतलब यू डोंट हैव टू लाइक डू इट के जनाब आप इसको जो है वो क्या कहते हैं डायग्राम को बहुत ज़्यादा को आपने फुल बोटी लगानी है, ठीक है। आप जो डायग्राम है वो जल्दी जल्दी बड़ा इजीली अच्छी डायग्राम आप बना सकते हैं, बट इट डिमांड्स प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो आप कभी भी अच्छी डायग्राम वहाँ पे नहीं बना सकते, ठीक हो गया। तो प्रेजेंटेशन में डायग्राम, लेकिन हर जगह पे डायग्राम नहीं है, कुछ लोग पता क्या करते हैं इसमें, दे स्टार्ट मेकिंग डायग्राम ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल जी अर्थक्वेक आया तो उसकी वजह से स्ट्रक्चरल लॉस हो गया जी, बिल्डिंग गिरना शुरू होता, बिल्डिंग की डायग्राम तो नहीं पढ़ाएंगे, इतना मकान गिरना शुरू हो गया, ये हो गया। सो यू हैव टू मेक सम कॉमन सेंस के किस क्वेश्चन की डायग्राम बनानी है और किसकी नहीं, ठीक है।
अभी ये वाली चीजें होगी जो मैंने साइंस के रिलेटेड आपको जनरल बताने की। नाउ कम टू योर क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलमोस्ट आई हैव टॉक्ड अबाउट हाफ आवर, मैंने हाफ आवर के अंदर आपका सिलेबस सारा साइंस का, पुराने पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन कैसी रखनी है, उसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए, ठीक है, डायग्राम बनानी या नहीं बनानी, ये मैंने मेजर चीज़ें आपको डिस्कस कर दी। हाँ, और इसमें मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए, कौन से सोर्सेज आपने क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है। अच्छा जी, आ गया जी, चले जी, जी नसरुल्ला, अपना सर इलियास। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम वंस अगेन, एंड सर यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वेरी लाइक इन द बेस्ट वे सर। और सर अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके लिए, सर एक लेक्चर पे आपको मैंने छोड़ना भी नहीं, आपको सर 2 महीने से आपके पीछे मैं लगा हुआ हूँ, और सर आपको दोबारा भी जहमत देंगे। राइट नो यू डोंट नो कि सर अभी मेरी उधर जितनी क्लास इन स्टूडेंट ने लेनी है, कि आई एम गेटिंग नंबर 250 मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस अनसीन रह गए सर, क्योंकि वो नंबर हम ऐड नहीं कर सकते। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ज्यादा ऐड होंगे तो वो सब आ जाएंगे सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आप रिकॉर्डिंग पे शेयर करें, ताकि मैं दोनों ग्रुप्स में, गर्ल्स के व्हाट्सएप में और बॉयज के व्हाट्सएप में सर मैं वो दे दूं तो सुन लेंगे। सेकंड थिंग इज कि अभी ये क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो बारी बारी अपना हैंड राइज करेंगे, तो फिर नंबर से ठीक हो गया, बारी बारी अपना हैंड रेज कर लें। अच्छा एक दो चीजें मैं यहाँ पे बता दूं आपको, ये वॉइस ब्रेक हो गया, व्हाट्सएप के अंदर भी लिंक शेयर कर देंगे इलियास, इलियास आपको व्हाट्सएप के अंदर भी लिंक शेयर कर देंगे इलियास अफरी जी। ये मैं, हमारा जो ग्रुप है सीएसएस क्लब, उस पर मैं चढ़ा दूंगा, ठीक है। अच्छा सीएसएस क्लब के अलावा, अच्छा एक चीज और आपको मैंने बतानी थी, ठीक है। नॉर्मली आई डोंट हैव टाइम दिस मच के हम इतना कर सकें, बट स्टिल आई वॉन्ट टू शो समथिंग। मैंने क्या किया हुआ है कि इफ यू गो ऑन यूट्यूब, ठीक है, तो हमने सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सीएसएस क्लब पे मैंने सर्टन, आई गोना शो यू जस्ट अ मिनट, कि आप मेरे कुछ जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आप, ये आ गया जी यूट्यूब चैनल का नाम है सीएसएस क्लब, ठीक है। लाइक इस पे मैंने कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हुए हैं जो आप फ्रीली जाके उनको एंजॉय करें, ठीक है। ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड, ह्यूमन कैसे वर्क करता है, ब्लड वेसल्स कैसे काम करती हैं, एबिलिटी क्या है, सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है, ब्लड ग्रुप टाइप्स, ठीक है, तो सारे तो नहीं यहाँ पे, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, एज वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। अच्छा ये वो लेक्चर तकरीबन ये एक एक घंटे के लेक्चर हैं, ठीक है। सो मतलब पूरे को पूरे लेक्चर मैंने वहाँ पे चढ़ाए हुए हैं सीएसएस क्लब में, वहाँ से भी जाके आप लोग ऑब्वियसली इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं जो लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद हैं। फिर हम ये एक्टिविटी करते रहते हैं सीएसएस क्लब, जो ऑब्वियसली ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली यहाँ पे कोई और चीज़ तो मैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछते थे आप काइंडली, सर डायग्राम शुड बी ड्रॉन एट टॉप और बॉटम। अच्छा ये क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, जो डायग्राम है दैट मस्ट नॉट बी एट द स्टार्ट, स्टार्ट में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मतलब आप क्वेश्चन का नंबर लिख रहे हैं और पहले साथ ही आपकी डायग्राम आ जाए, ये बिल्कुल वैस वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले आप ऑब्वियसली स्टेटमेंट थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, डेफिनेशन है या कुछ भी है, उसको करने के बाद इस बैटर के जहाँ पे डायग्राम जो है वो आपकी फिट इन कर रही है वहाँ पे उसको आप एक्सप्लेन करें, एंड देन यू मस्ट आल्सो राइट इट कि जनाब ये गिवन डायग्राम में मैंने ये चीज़ लिखी हुई, पर स्टार्ट में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, कि बिल्कुल स्टार्ट ही आप डायग्राम से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद, अच्छा जी अफरीदी का क्वेश्चन आ रहा है, एक मिनट जी अफरीदी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर अभी इनका नंबर से सर तो माइक वो अनम्यूट करेंगे सर, तो फिर वो क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे सर, देयर लाइक वेटिंग, ऐसे कर लें, यस सर, यस सर, एज यू लाइक इट, ओके, यस सर। ये अभी सबूर टॉप पे हैं, आप अपना माइक अनम्यूट कर ले और सर से क्वेश्चन करें। सबूर खान अपना माइक अनम्यूट करें काइंडली, बट मेक श्योर कि आपका क्वेश्चन ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, वन लाइन होना चाहिए, यस, ताकि सब स्टूडेंट को मौका मिले। सबूर अपना माइक अनम्यूट करे, अगर उसका नहीं हो रहा तो फिर जो है ना कियानी गजल अपना माइक अनम्यूट करे, उसके बाद सोनिया डोगर अपना माइक अनम्यूट करे। जी सबूर, आई थिंक सो,
अच्छा यू हैव इश्यू आई थिंक लेट मी चेक मैंने सबको किया हुआ है कौन अनम्यूट कॉल नंबर नंबर से आप लोग करने सही है डिस्ट्रक्शन भी नहीं क्रिएट करनी और कोई इशू भी नहीं ये क्लास यानी गजल एवरीवन म्यूट योरसेल्फ एवरीवन म्यूट योर काइंडली नंबर से अपना अपना माइक म्यूट पे करें एवरीवन म्यूट कितना शोर है लोगों का काइंडली यानी गजल अपना माइक वो आप अपना क्वेश्चन करें अच्छा जी अभी मैंने सबको अगेन म्यूट कर दिया अब मैं सबूर को अनम्यूट कर रहा हूँ जस्ट सबूर हेलो सबूर यस सर आप अनम्यूट हो चुके हो कि नहीं सबूर किधर गया अनम्यूट नो एक यहाँ पे यार एक तो असल में आपने बहुत ज्यादा ये स्टूडेंट्स को जो किया हुआ है लोअर हैंड सबूत अनम्यूट ये हाँ सुबह से रेज है अच्छा अली अनम्यूट मी प्लीज सर आपको तो अनम्यूट किया ही हुआ है ना सर ठीक है अच्छा सर काइंडली यानी सर असल में सर ये कुछ स्टूडेंट उधर आपकी उससे भी है सर फेसबुक ग्रुप से सर सर कुछ पांच छह स्टूडेंट हमारे उधर से नहीं है सर यानी गजल अपना क्वेश्चन करे काइंडली अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम जी सर मैंने ये पूछना था कि एक क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स है तो कितना मतलब उसमें हेडिंग्स मैक्सिमम होनी चाहिए या मिनिमम नहीं नहीं हेडिंग मैक्सिमम और मिनिमम का कोई इसमें इशू नहीं है लाइक मैं तो क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर देता हूं आपके मतलब एक आंसर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं लेट्स से फर्स्ट किया हमारे पास एक क्वेश्चन था आपको ये साइट साथ में स्क्रीन शेयर नजर आ रही होगी लूनर एक्लिप्स पे क्वेश्चन था कि लूनर एक्लिप्स है क्या तो पहली आपकी हेडिंग लूनर एक्लिप्स सिंपली ये हेडिंग हो जाएगी आप इसमें आप डिफाइन करेंगे लूनर एक्लिप्स है क्या फिर फॉर्मेशन इसकी क्या होती है ठीक है ये इसकी सेकंड हेडिंग हो गई ठीक है अच्छा इसमें आप लिख दिया फिर इसकी टाइप्स आ गई अब उसकी 3 मेजर टाइप्स हैं उन सब टाइप की एक एक सब हेडिंग आप बना लोगे और उसके अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे तो हर क्वेश्चन की टाइप पे डिपेंड करता है कि कितनी हेडिंग होगी आप अपनी मर्जी से उसको कम ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत आपके पास लैटिट्यूड तो है लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन उसकी बेसिस से ही आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हो उनको भी अनम्यूट कर देते हैं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं FSC लेवल तक लाइक टीच करती हूँ तो क्या साइंस तो क्या उस लेवल तक का क्वेश्चन आंसर जो है वो सही है CSS लेवल पे इट डिपेंड्स अपॉन अगर FSC लेवल तक के आप टीच करती हैं तो जो सेल है आप बायोलॉजी बैकग्राउंड है आपका या इंजीनियरिंग का है सर बायोलॉजी लाइक इफ यू आर टीचिंग बायोलॉजी देन ऑब्वियसली द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड द सेल एंड इवन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट क्लासिफिकेशन और एनिमल क्लासिफिकेशन दैट्स मोर देन सफिशिएंट जो वहां पे मटेरियल दिया गया है वो काफी है CSS के लिए भी लेकिन सर वन थिंग जी सर वन थिंग सर बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन यू नो सर इनको अगर इस तरह बताया जाए कि कम से कम 1.5 सफा 2.5 सफा इस तरह तो दे विल अंडरस्टैंड वेरी वेल हालांकि सर सोनिया डन सर एमएस इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सर नहीं नहीं उसका सवाल थोड़ा डिफरेंट था उसका मैंने उनको जवाब दे दिया है कि अगर उस लेवल का भी आप लिखते हैं तो वो काफी है लेवल से मुराद है कि आप FSC आई हैव ऑब्वियसली टॉट स्टूडेंट इन द इंटर एंड ग्रेजुएशन एज वेल मैंने ग्रेजुएशन वालों को बॉटनी पढ़ाई हुई है केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है और FSC वालों को बायोलॉजी पढ़ाई हुई है
तो आई नो वेरी बायोलॉजी की एफएससी लेवल की बायोलॉजी काफी एडवांस है सीएसएस के कंपेयर, तो वो लेवल बेहतरीन है, उससे मतलब आपको बिल्कुल कोई क्या कहते हैं वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सर एक एवरेज स्टूडेंट सर कितने कितना उस पे लिखे 5 नंबर के लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन में? 2 पेजेस इज एनफ। अगेन आप मेरे से पेजेस पूछ रहे हैं, मैं पेजेस के हक में नहीं हूं। मैंने बोला कि अगर आप मेरे मैं 5 मिनट के अंदर 2 पेज लिख दूंगा ठीक है ना, और हो सकता है एक बच्चा एक पेज भी ना लिख पाए, तो इट डिपेंड्स। आप देखते हैं वर्ड टू वर्ड आप स्पेस कितनी देते हैं, आप लफ्ज कितने बड़े लिखते हैं, तो आपने मिल का एहसास रखना है ये पेजेस। जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि एनालिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करने की एक प्रॉपर टेक्निक होती है, काइंडली अगर पॉसिबल है तो वो शेयर करते हैं हमारे साथ। क्या है, मैंने एक दो क्वेश्चंस ऊपर अभी वो चढ़ाए हुए हैं वीडियो उसके ऊपर सीएसएस क्लब के ऊपर, मैं इस पे फर्दर एक दो आपको प्रॉपर टेक्निक ऑब्वियसली उसमें होती है, उसको हम बोलते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन की जो भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसको बकायदा उसकी आप मैपिंग करते हैं, या उसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही वो क्वेश्चन की टाइप पे डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको टेबल बनाना है ठीक है, या कोई आपको रॉ बनानी है, या क्या उसके अंदर करना है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा कि मैं एक एक पर्सनली एक एक क्वेश्चन को इस तरह से हिट करूँ, ठीक है। सर आप एक वीडियो बना के अपने चैनल पे प्लीज अगर कर दे, क्योंकि सब लोग डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करेंगे। सर जिस तरह हमारा MBBS का बैकग्राउंड है, तो जो एबिलिटी का पोर्शन है उसको किस तरह से टैकल किया जाए? अगर कोई बंदा खुद से पढ़ना चाहे, क्योंकि हमारी हैबिट होती है तो हम खुद से पढ़ते हैं, तो वो किस तरह कर सकता है? आप वो खुद से कर सकते हैं, दो तीन चीजें। एक तो ये है कि सबसे पहले तो आप एरिया वाइज पहले चीजों को तैयार करें। फर्स्ट की अगर आप एवरेज की आपने क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी नहीं यार, एवरेज का सिंपल सा फार्मूला है कि आपका जनाब सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। लेकिन आप उसमें क्या होता है कि एवरेज के अंदर फिर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे इसी तरह से परसेंटेज की हम बात करते हैं, तो परसेंटेज में रिवर्स परसेंटेज के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। आप खुद से अपने नोट्स बनाते जाएं, कैटेगरीज ज्यादा से ज्यादा करते जाएं, मतलब अपने एक फार्मूलाज के खास से अलहदा से लिस्ट बना लें, छोटे छोटे शॉर्ट अपने नोट्स अलहदा से बना लें। Then what you gonna do is कि practice is the key in this one, ठीक है। आप practice जितनी करेंगे उतने आपके questions जो हैं वो आपको आसानी होगी उसमें हल करने के लिए। अच्छा, अब यह है कि क्योंकि हमारा sciences का background होता है, तो बहुत सारी चीज़ें like even हो सकता है कि आपको अभी LCM भी लेना ना आता हो, ठीक है, कि LCM कैसे लेते हैं, या हो सकता है even you may have forgot कि यार ये multiples क्या होते हैं या prime numbers क्या होते हैं, तो वो एक दो reading से वो मसाइल हल हो जाते हैं, that's not a big deal। सेकंड आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी वीडियोस स्पेशली इंडियन यूट्यूबर्स की तो एबिलिटी पे बेशबहा वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। आपका थोड़ा टाइम इसलिए जरूर वेस्ट होगा कि आपको चेक करना पड़ेगा कि यार किसकी वीडियो मैं देखूं किसकी ना देखूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट वाइज यू डो के पहले एक बुक रीडिंग कर लें, फिर आपको ज़रा आसानी हो जाती है उसको फिल्टर आउट करने के कि यार ये क्वेश्चन मैंने देखने हैं तैयार करने हैं और ये मटीरियल को मैंने स्टडी नहीं करना, तो यही सेल्फ स्टडी का एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, यहां नेक्स्ट सर नेक्स्ट कैंडिडेट को सर मौका दे देते हैं सर। ये अहमद फराज नंबर वाइज सर हमारे अहमद फराज, अपना माइक अनम्यूट। अहमद फराज जी, अहमद अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, यस क्वेश्चन प्लीज। सर आप मुझे बताइए कि सीसीएस का जो सारा सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट के 12 सब्जेक्ट है, वो इसका ड्यूरेशन कितना है कि वो कवर हो जाए फुल प्रिपरेशन? अच्छा, ये देखिए, ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको ये, मैं किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहता। नॉर्मली ये होता है कि जब आप सीएसएस कर लेते हैं तो फिर आपसे कोई बंदा पूछे ना आपने सीएसएस की तैयारी कितने अरसे में की, जो मैंने तो 3 महीने के अंदर तैयारी की थी, तो उसमें बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं बेचारे, यार पता नहीं हम नालायक हैं, यार इसने तो 3 महीने के अंदर तैयारी कर ली। जी सर, ये एक बात करने का मकसद है कि बहुत सारे लोग इस तरह की बातें भी करते हैं तो जिससे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, उसकी वजह से ये कंफ्यूजन होती है। सर, आपने सिर्फ इंग्लिश के लिए कोचिंग की थी?
हाँ इंग्लिश की सिर्फ कोचिंग ली थी, लेकिन आई एम नॉट द यूवर से कि मैं एक सिर्फ एग्जांपल नहीं हूँ कि आपने मुझे फॉलो करना है, ठीक है। हर बंदे की अपनी अपनी एक सक्सेस रेसिपी होती है, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन का आपको आंसर दे दूँ। मेरे माइंड के मुताबिक 1 year इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर द सीएसएस प्रिपरेशन। एक साल okay. वो एक साल से ज्यादा, वो 8-9 महीने भी हो सकते हैं 10, लेकिन 6 months से कम टाइम में तैयारी मुश्किल हो जाती है। लाइक उसमें देखे ना, एक सब्जेक्ट जो है, जो मेरा ख्याल है, लाइक इवन अगर आप साइंस की बात करते हैं, इसको प्रॉपर तैयार करने के लिए आपको 1 महीना चाहिए। तो 100 marks का जो सब्जेक्ट है, इट टेक्स अराउंड 1 month। तो देर आर सर्टन सब्जेक्ट दैट माइट टेक 15 days, हो सकता है आप इस्लामियात 15 दिन में तैयार कर लें, लेकिन इंग्लिश को हो सकता है आपके 4 महीने लग जाए, ठीक है। तो एवरी सब्जेक्ट मैटर्स। तो अगर आप ग्रैंड टाइम टेबल बनाते हैं तो इट टेक्स अराउंड 1 year, आपका सारा सी एस एस जो है वो ऑलमोस्ट 1 year के अंदर प्रिपेयर हो जाता है। इज्तेनाब करे सर से, कुछ न्यू सीखने की कोशिश करे। फवाद खान अपना माइक अनम्यूट करे सर। फवाद खान, नेक्स्ट है फवाद खान सर। जी फवाद को हमने अनम्यूट कर दिया। फवाद रेलेवेंट रहे और वो क्वेश्चन जो आपका पहले किया हुआ है काइंडली उससे इज्तेनाब करें। अच्छा फवाद का मसला रहा है सानिया महमूद। सानिया सर अस्सलाम वालेकुम। फवाद जी, फवाद जी, फवाद सर मेरा ये सवाल था सर, हम डेट्स तो कैसे मेमोराइज करें सर, बेस्ट वे उसका बताएं। और सर डायग्राम जो बनानी होती है वो सर पेंसिल से बनाएं या पेन से सर? एक एक मिनट, पहला डायग्राम बारे मुझे समझ आ गई, उससे पहले आपने क्या पूछा है सर? डेट्स कैसे मेमोराइज करें? डेट्स अच्छा, मेमोराइज कैसे करें? अच्छा सर, डिफिकल्ट थिंग। दो तीन चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें जिनको आपको क्रैम करना पड़ता है, उसके दो तीन तरीकाकार होते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि वो एक दफा उसको बैठ कर रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, जिसको मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता। इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप किसी चीज को आप रट्टा लगाएं। बेटर ये है कि आप एक चीज को ना उसको आप मल्टीपल टाइम रीड कर लें। आप एक उसका एक टेबल सा बना लें, किसी पेज पे लिख लें, कुछ इस तरह कर लें, उसको मल्टीपल टाइम रीड कर लें। मतलब वो आप किसी अपनी किताब में रख लें, पॉकेट में रख लें, कहीं जेब पे, तो वो पेज को आप 15-20 दफा 10 दफा 5 दफा पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाती है। उसका बेस्ट तरीकाकार यही है और उसका कुछ रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो क्रैमिंग है, दूसरा एक मेथड होता है, वो आपको किसी चीज़ से रिलेट करना पड़ता है। वो कुछ चीज़ें आपकी मेमोरी में आ जाती हैं कि वाई 1 May ही क्यों लेबर डे है, ठीक है, कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था उस तारीख पे कि इसको उन्होंने लेबर डे जो है वो डिक्लेयर किया। बट दैट टेक्स टू मच टाइम, फिर आपको हर इंसिडेंट को उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि जनाब ये क्यों डिक्लेयर किया गया था। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि डायग्राम लेड पेंसिल से तो बिल्कुल नहीं बनानी, एग्जामिनर भी उसको कहते हैं कि ऐसा नहीं करना। आप ये कर सकते हैं कि कोई आपकी टफ डायग्राम है जो आपको मुश्किल लग रही है, उसको पहले लेड से बना के उसके ऊपर से आप फिर पेन या पेंसिल बना दें, और कलर भी दो ही यूज़ करने हैं, ब्लैक एंड ब्लू भी हमेशा याद रखें, नो अदर कलर, ठीक है। सर सर सानिया महमूद, सानिया महमूद सर क्वेश्चन ऐसा ना आप तंग भी हो जाए सर, फिर आप मुझे बता दें कि जब सेशन एंड करेंगे सर, फिर आप काइंडली मुझे जस्ट एक रिमाइंडर दें। सानिया महमूद जी, सानिया आपका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन लेंथी होता है, मेक श्योर थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन करें। यस प्लीज। मेरा बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। अच्छा सर, मुझे जो एक इशू जीएसए में आता है, इमेज सेटिस्फैक्शन भी नहीं होती, वो ये होती है कि जैसे देखिए आपने भी कहा कि कुछ ऐसे होते हैं जिससे बहुत पहले की बुक्स लिखी हुई होती हैं, एडिशंस पहले के आए हुए होते हैं, उसमें जो फैक्ट्स होते हैं वो अप टू डेट नहीं होते। तो जब उसको नेट पे सर्च करने बैठो तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। फिर उस नेट में भी आपकी विकिपीडिया पे, क्योंकि आप उसको रिलाय नहीं कर सकते विकी पे, कि वो जो है आपका बता दें प्लीज। उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो पहली बात है, अगर फर्स्ट किया मैं अपनी बुक की बात करता हूँ तो उसमें मैंने जितने भी फैक्ट्स लिखे हुए हैं, सिर्फ एग्जाम्पल सोलर सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो मैं कभी भी विकिपीडिया के फैक्ट्स पर रिलाई नहीं करता। विकिपीडिया इज नॉट अ नेवर एवर, मैं तो कभी भी विकिपीडिया खोलता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। आपने ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जिन पर आपने रिप्लाई, सिर्फ एग्जाम्पल अगर आप स्पेस के रिलेटेड या एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है तो नासा की वेबसाइट है, उस पर जाए, ठीक है। अगर फिर दूसरे में आपको दो तीन सोर्सेज अभी चले बात होगी, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया है, उस पर चले जाएं। फिर एक इनकार्टा इंसाइक्लोपीडिया, मेरे पास उसकी डीवीडीज थी, वो काफ़ी हैवी होता था, 500 क्या कहते हैं, शुरू शुरू में 580
60 एमबी का आता था, फिर उसके बाद वो दो दो तीन तीन जीबी का उसका डाटा होता था, मतलब वो दो दो तीन तीन डीवीडीज पे आया करता था, उसका इतना साइज होता था। तो आप इनकार्टा इंसाइक्लोपीडिया इंस्टॉल कर सकते हैं, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां से सर्च कर सकते हैं। बट अगेन वही आ जाता है कि उनके ऊपर एक एक आर्टिकल इतना लेंथी लिखा हुआ होता है कि वहां से फिर उसकी इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो रिलायबल सोर्सेस पे आप रिलाय कर रहे हैं, विकीपीडिया पे तो कभी नहीं, ठीक है। ये प्रॉब्लम होता है बुक्स के अंदर। लाइक मेरी फर्स्ट किया, मैंने भी 2016 में उसका एडिशन पब्लिश किया था, तो 9/2020 उसमें से कुछ ना कुछ जो फैक्ट्स हैं वो अभी रेलिवेंट नहीं रहे होंगे, ठीक है। सर रोज 12 सब्जेक्ट पढ़ेंगे एक एक करके, ये सिबगा का क्वेश्चन है, मैं इसको पहले आंसर करना चाहूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं बाद में लेता हूँ, आई एम अ बिगिनर। अच्छा जी, ये जो टाइम मैनेजमेंट है, दैट्स अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, आई थिंक सो कि आप लोगों ने पहले भी ये क्वेश्चन पूछे हुए होंगे। एक सब्जेक्ट को एट अ टाइम पढ़ें, अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं डेली या 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 7 घंटे 8 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ें, बाकी 2-3 घंटे में अखबार पढ़ लिया, कुछ चीज़ों को जिनको रट्टा लगाना है उनको रट्टा लगा लिया, एम सी क्यूज तैयार कर लिए, 2-3 घंटे में वो छोटा मोटे काम करें आप डेली, क्योंकि वो भी आप रूटीन में करते रहें। एक दफ़ा से वो चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे ना रट्टा लगाने में, तो वो खुश होती हैं, तो आप तैयारी से कर नहीं सकेंगे इस अच्छी तरह से। अब वन बुक या वन सब्जेक्ट एट अ टाइम स्ट्रेटजी का बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको ना एक सेटिस्फेक्शन होती है और टारगेट अचीवमेंट का एहसास होता है कि एक मंथ के अंदर आपका से फॉर एग्जांपल एक इस्लामियात आपने शुरू की, 1 महीने के अंदर कवर होगी, साइंस आपने शुरू की थी 2nd मंथ के अंदर वो कवर होगी, या हो सकता है 2 महीने के अंदर आप 3 सब्जेक्ट कवर कर गए से फॉर एग्जांपल, सो दैट्स अमेजिंग, ठीक है, वो आपको फुलफिलमेंट का एहसास होता है। अगला क्वेश्चन पूछेंगे लखते हुसैन, लखते हुसैन, अच्छा सर ये आपने लिखा होगा ज्योमेट्री के अंदर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड पॉलीगॉन्स एंड इट्स टाइप्स, अच्छा सर ये क्वेश्चन नहीं होगा इसमें से, या सिर्फ डेफिनेशंस ही आएंगी? अच्छा ये तो मैंने तो वहाँ पे कोर्स सिर्फ डिस्कस किया है, लगते हैं सर मैंने सिर्फ कोर्स डिस्कस किया है, क्वेश्चन तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो क्या पूछता है। He can ask area of triangle क्या है, कैसे determine करते हैं, बल्कि हो सकता है triangle दे दे उसका area find करें, perimeter find करें, वो ये कह सकता है, polygons की टाइप्स बता, वो कह सकता है कि quadrilaterals की टाइप्स बता दे, वो कह सकता है कि आप parallelogram का area find कर ले, ये तो examiner पे depend करता है। तो वो नावली मैंने book के अंदर वो इसी हद तक जाता है, बहुत ज्यादा like वो trigonometry sin theta cos theta ये वगैरह चीजें नहीं पूछता।